एक्सरसाइज 13.1 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्वेश्चन नंबर 29। लेट ए वन ए टू अप टू ए एन बी अ फिक्स रियल नंबर्स एंड डिफाइन अ फंक्शन। फंक्शन है कुछ, फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू अप टू एक्स माइनस ए एन। वट इज द लिमिट, वट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन फंक्शन। तो पूछा है कि फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी अगर लिमिट ए वन को टेंड कर रही है, और फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट करनी है हमें जब लिमिट टेंड्स करेगी ए को, तो भी फंक्शन की वैल्यू हमें निकाली। और फंक्शन कुछ ये दिया हुआ है, इतना बड़ा सा फंक्शन लग रहा है, बट आंसर एकदम ईजी सा है इसका। डायरेक्टली हम फंक्शन पे पहले ए वन लेके चलते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन फंक्शन जो कि है एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू अप टू एक्स माइनस ए एन। और अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे एक्स की वैल्यू को ए वन रख देंगे, तो फर्स्ट अगर मैं रखेंगे तो ए वन माइनस ए वन हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे किया है। सेकंड में रखेंगे एक्स की वैल्यू, तो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे ए वन, यहाँ पे भी नहीं लिखा है बट लिख लेना चाहिए था मुझे, ए वन माइनस ए टू एंड लास्ट हो जाएगा ए वन माइनस ए एन। और अगर इसमें हम वैल्यू ए वन माइनस ए वन करें तो ये तो जीरो हो गया, और सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करें आंसर तो जीरो ही आने वाला है। तो लग बढ़ा रहा था ये क्वेश्चन, आंसर ईजी सा था इसका, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी जीरो अगर लिमिट ए वन है इसकी। और अगर लिमिट ए है तो ए की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की जगह ए वन आ जाएगा, एक्स की जगह ए आ जाएगा माइनस ए वन, एक्स की जगह फिर से ए, और इस वाले एक्स की जगह भी ए, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे भी। तो यहाँ आंसर फाइनल आंसर होगा ए माइनस ए वन ए माइनस ए टू ए अप टू ए माइनस ए एन। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर जब लिमिट की वैल्यू टेंड्स कर रही है ए को, तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। 31st क्वेश्चन है इसके बाद, इफ अ फंक्शन सेटिस्फाई लिमिट, फंक्शन जो है वो पहले से दे दिया कि सेटिस्फाई कर रहा है कि लिमिट अगर एक्स है वन की तरफ टेंड कर रही है तो फंक्शन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू पाए है। हमें इसमें फंक्शन कुछ नहीं बताया गया, और पर इस पूरे की वैल्यू अगर हम लिमिट के साथ देखें तो वैल्यू दी हुई है पाए, और इवैल्यूएट करना है कि लिमिट अगर एक्स वन को टेंड करेगी तो फंक्शन की वैल्यू बताओ क्या होने वाली है। तो हमें जो गिवन वैल्यू थी हमने लिख ली है वो ऐसे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन फंक्शन माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू पाए। अगर मैं दोनों ही में लिमिट को सेपरेट कर दूँ तो ऊपर भी लिमिट ऐसे कुछ लिखी जाएगी और नीचे भी कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी कि लिमिट टेंड्स टू एक्स टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर लिमिट को सेपरेट कर दिया हमने। एंड लास्टली हम अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म को पाई के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई बोलेंगे कि कर देंगे यहाँ पे, तो पाई के बराबर में आ जाएगा लिमिट जो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में था वो पाई के बराबर में लिखा जाएगा पूरा का पूरा। तो फाइनली हमारे पास स्टेटमेंट बनती है लिमिट एक्स टेंड्स टू वन फंक्शन माइनस टू इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। और अब अगर हम इसमें तो लिमिट हम अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि फंक्शन हमें पता नहीं है और उसी की तो वैल्यू निकालनी है हमें फंक्शन की, तो इस पार्ट को हम ऐसे ही रहने देंगे। और अगर हम इस साइड में लिमिट अप्लाई करेंगे वन की जगह तो एक्स का स्क्वायर वन मतलब वन का स्क्वायर हो जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस वन इज जीरो। तो पाई से अगर जीरो को मल्टीप्लाई किया तो आंसर इस साइड का तो जीरो ही हो गया, आर एच एल राइट हैंड साइड का आर एच एस का, तो इसका आंसर अगर जीरो हो गया और उधर से माइनस का टू इस साइड आ जाएगा आर एच एस के पास, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन फंक्शन जिसकी हमें वैल्यू फाइंड भी करनी थी जो कि आंसर आ रहा है टू। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32। इफ़ फंक्शन फंक्शन की वैल्यू कुछ इतनी बड़ी सी दी हुई है कि एम एक्स स्क्वायर प्लस एन कब होगा जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, एन एक्स प्लस एम कब होगा जब एक्स की वैल्यू जीरो से तो बड़ी होगी बट वन से छोटी होगी और इक्वल भी होगी, दोनों में इक्वल टू का साइन भी है, इसमें एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल भी है तब भी यही फंक्शन लेके चलना है, जीरो से बड़ी है तब भी यही और वन से छोटी है तब भी यही। एंड नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एन एक्स क्यूब प्लस एम, ये तब लेके चलना जब एक्स की वैल्यू वन से बड़ी होगी। तो फंक्शन को इस बार दो पे ब्रेक किया गया है, मतलब हम लिमिट जीरो भी लेके चलेंगे और उसका भी एल एच एल और आर एच एल निकालेंगे, एंड लिमिट को अगर वन लेके चलेंगे तो उसका भी एल एच एल एंड आर एच एल निकालेंगे। फॉर वॉट इंटीजर्स एम एंड एन डज बोथ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन एंड लिमिट एक्स टेंस टू वन फंक्शन एग्जिस्ट। तो पूछा है एम और एन की कौन सी वैल्यू पे कि जो लिमिट है जीरो वाली वो भी फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करेगी और लिमिट वन वाली भी फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करेगी। तो पहले जीरो के लिए देख लेते हैं, अगर जीरो के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो डिनोट तो कुछ इस तरीके से करेंगे, लिखा तो कुछ इस तरीके से आएगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड से, एल एच एल की बात कर रहे हैं। तो फंक्शन जो कि दिया हुआ है इसके लिए वो फर्स्ट फंक्शन है जब जिसमें एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है। तो फंक्शन अप्लाई किया अगर हमने यहाँ पे एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, और अगर लिमिट भी अप्लाई कर दी एक्स की जगह जीरो यहाँ पे, तो ये तो पूरी टर्म जीरो, आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास एन अगर एम जीरो से मल्टीप्लाई हुआ जीरो प्लस एन इज इक्वल टू एन। अगर हम इसके बाद बात करें जीरो के लिए आर एच एल के लिए, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव
फंक्शन, और फंक्शन इसके लिए लिया जाएगा सेकेंड वाला फंक्शन जिसमें एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, और अगर हम उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें, फंक्शन तो लिया हमने एन एक्स प्लस एम, और अगर लिमिट अप्लाई की तो एक्स की जगह जीरो रखा जाएगा तो आंसर हमारे पास इसमें आ जाएगा एम। तो हम ये बोल सकते हैं कि दस हमें ये पता है कि अगर हमें लिमिट अप्लाई करवानी है, या फिर ये बोल सकते हैं कि लिमिट किसी भी फंक्शन में एग्जिस्ट कर रही है तो उसका एल एच एल और आर एच एल इक्वल होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि दस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फंक्शन एग्जिस्ट ओनली वेन एम इज इक्वल टू एन। अगर एम इक्वल होगा एन के तभी बोल सकते हैं कि लिमिट जो है एक्स टेंड्स टू जीरो वो इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करेगी। और अगर हम बात करें, अगर हम ब्रेकिंग पॉइंट वन मान के चलें इस फंक्शन का, तो अगर हमने वन लिया क्योंकि हमें वन का भी देखना था, अगर लिमिट वन को टेंड कर रही है तो फंक्शन एग्जिस्ट तब भी देखना है, जीरो वाला तो देख लिया हमने तब एग्जिस्ट करेगा जब एम और एन की वैल्यू इक्वल होंगी। एंड लास्ट देखते हैं हम इसके अंदर वन के लिए, अगर हम एल एच एल की बात करेंगे तो फंक्शन हमें कुछ यही वाला लेना पड़ेगा सेकेंड वाला फंक्शन, क्योंकि इसमें ही वन की वैल्यू एक्स की वैल्यू जो है वो वन से छोटी है और बराबर भी है, तो हमें यही फंक्शन लेना पड़ेगा एन एक्स प्लस एम, और डिनोट कुछ इस तरीके से करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन। और अगर हमने लिमिट अप्लाई की एक्स की जगह वन रखा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास एन प्लस एम। एंड अगर सेकेंड बात करें आर एच एल की इसमें, तो डिनोट कुछ इस तरीके से करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब फ्रॉम राइट साइड लिमिट अप्रोच कर रही है वन को, फंक्शन लेना पड़ेगा इसमें थर्ड वाला क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो वन से बड़ी दी हुई है। अगर हमने लिमिट अप्लाई करी इस फंक्शन में तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका भी एन प्लस एम आएगा, जो कि हमारा एल एच एल में भी आ रहा था। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंड में लिमिट, अब ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन फंक्शन एग्जिस्ट फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम एंड एन, तो एम एंड एन की किसी भी वैल्यू पे फंक्शन एग्जिस्ट, या फिर ये बोल सकते हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी क्योंकि इसमें पहले से ही एल एच एल और आर एच एल इक्वल आ रहे हैं।